हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं इंग्लिश की वर्कबुक जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। इसमें आज हम करेंगे, ठीक है, इसमें आज हम करेंगे वर्कशीट 26, मतलब वर्कशीट 26, जिसमें कि अपोजिट्स हम देखेंगे, विलोम शब्द अपोजिट्स। तो यहाँ पे वर्कशीट है 26। सबसे पहले हमें यहाँ डेट लिखनी है, जिस भी दिनांक को आप यह वर्कशीट करोगे, और गतिविधि का नाम है रीड धीस, इसे पढ़ना है हमें। जो नीचे दे रखा है, नीचे दिए वाक्यांशों को पढ़े। तो यहाँ पढ़ के हम पहले अपोजिट से समझेंगे। ए बिग बियर, बिग मीन्स बड़ा। ए स्मॉल बियर, स्मॉल मीन्स छोटा। ए बिग बियर, ए स्मॉल बियर। ए फैट कैट, फैट मतलब मोटा, तो एक मोटी बिल्ली। ए थिन कैट, एक पतली बिल्ली। ए लॉन्ग पेंसिल, एक लंबी पेंसिल। ए शॉर्ट पेंसिल, एक छोटी पेंसिल। हॉट टी, गर्म चाय। कोल्ड टी, ठंडी चाय। ए ड्राई शर्ट, एक सूखा शर्ट। ए वेट शर्ट, एक गीला शर्ट। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। ए यंग मैन, एक जवान आदमी। तो यहाँ पे ये अपोजिट वर्ड्स दे रखे थे। अब हम इसके बाद अगली वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट 27, ठीक है, वर्कशीट 27। इसमें भी सबसे पहले हमें डेट लिखनी है, जिस भी दिनांक को हम यह करेंगे। इसके बाद इसमें हम करेंगे गतिविधि का नाम लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट, चित्रों को देखकर शब्द लिखे। तो हमें चित्रों को देखना है और शब्दों को लिखना है। तो सबसे पहला जो चित्र है केट का, और यह कैसी है, फैट। तो हम यहाँ लिखेंगे फैट, एफ ए टी, फैट कैट। उसके बाद है थीन, ठीक है, थीन मतलब पतला या पतली। तो हम यहाँ लिखेंगे टी एच आई एन, थीन। उसके बाद है शॉर्ट, छोटा या छोटी। तो हम यहाँ लिखेंगे एस एच ओ आर टी, शॉर्ट। उसके बाद है लॉन्ग, लॉन्ग पेंसिल है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे एल ओ एन जी, लॉन्ग। इसके बाद जो अगला पिक्चर दे रखा वह है इन, इन, इन मतलब इस पिंजरे के जैसे अंदर है, इन मतलब अंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे आई एन, इन। उसके बाद जैसे ही पक्षी पिंजरे के बाहर आ गया, तो यहाँ लिखा आउट, तो हम यहाँ लिखेंगे आउट, आउट मीन्स बाहर। उसके बाद है यहाँ पे जो चाय का कप है, तो कैसी है यह, हॉट, गर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे एच ओ टी, हॉट, गर्म। उसी प्रकार जो अगला जो पिक्चर है वह है आइसक्रीम का, और ये कैसी होती, कोल्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे सी ओ एल डी, कोल्ड। इसके बाद जो अगला चित्र है वह है डे, सुबह हो रही, सूरज निकल रहा है, तो यह है डे, डे मतलब सुबह, डी ए वाई डे मतलब दिन, ठीक है, दिन। उसके बाद है यहाँ पे नाइट, नाइट मतलब रात, एन आई जी एच टी, नाइट मीन्स रात। इसके बाद यहाँ पे है ओल्ड, बूढ़ा, ओ एल डी, ओल्ड। उसके बाद अगला जो चित्र है वह है यंग, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई ओ यू एन जी, यंग मीन्स जवान। तो इस प्रकार यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स हमने लिख लिए हैं।